हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, पेपर फोर जो कि बहुप्रतीक्षित पेपर था, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस हुआ है, सबसे ज़्यादा पेपर फोर में ही हुआ है, तो हमारा जो नोट्स रहता है हस्तलिखित संपूर्ण सिलेबस कवर करते हुए तैयार हो चुके हैं। और आज से हम मेंस के न्यू सिलेबस की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, और थोड़ा 10-15 दिन हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद प्रीलिम्स करेंगे, प्रीलिम्स के बाद फिर हम मेंस की रेगुलर क्लासेस करेंगे। इन्हीं नोट्स के आधार पर बहुत ही शानदार नोट्स तैयार हो चुके हैं, हैंड रिटन हैं, और जिस तरह से हमेशा से रहते हैं, फ्लो चार्ट डाइग्राम सहित हैं। उसका रिव्यू आप मुझे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। साथ ही जो अभी मैं जिससे पढ़ाऊँगी आपको ये टॉपिक, वो भी उन्हीं नोट्स से कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी सीरीज़ का L1 रहेगा, ऐसे L1 L2 इस तरह से मेंस की क्लासेस चलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो टॉपिक ये Volume 1 है। टोटल जो पेपर फोर की बुकलेट मिलेंगी, टोटल बुकलेट आपको 4 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 2 बुकलेट आपकी 7 और 11 मार्क्स की रहेंगी, Part 1 और Part 2 की। और इसके अलावा एक केस स्टडी की बुक मिलेगी और एक 2 मार्कर की बुक मिलेगी। 2 मार्कर में 500+ प्रश्न रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दर्शन की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो दर्शन वाला ही है। अब इसको आपको किस तरह से, इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाएगा। संपूर्ण सिलेबस का हर टॉपिक कवर है, बस उनको रखा मैंने प्रश्नोत्तर तरीके से, ताकि आपको समझ में आ पाए कि प्रश्न कैसे बनते हैं। आप देखिए इस प्रकार से हम इसको पूरे को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। तो भारतीय दर्शन उस अध्ययन को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। वो एक दर्शन उसको बोलते हैं जो हमें तत्व का ज्ञान करा सके। मानव के दुखों की निवृत्ति के लिए तथा तत्व के ज्ञान के लिए ही दर्शन का जन्म हुआ है। हमने ये दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन की क्यों उत्पत्ति हुई, ये पढ़ लिया, ये 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतीय दार्शनिक प्रवृत्तियाँ। देखो, भारतीय दर्शन की 2 प्रवृत्तियाँ होती हैं, एक होता है आस्तिक और ये तो एक होता है नास्तिक। आस्तिक मतलब जो ईश्वर को मानता है, नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता है। अब जो आस्तिक मत है वही सर दर्शन की बात करता है, और जो नास्तिक मत है वो भौतिकवादी दर्शन की बात करता है। आस्तिक मत किसकी बात करता है, सर दर्शन की बात करता है, और नास्तिक मत भौतिकवादी दर्शन की बात करता है। सर दर्शन कौन कौन से होते हैं, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, वेदांत, सांख्य, ये सर दर्शन है। और भौतिकवादी दर्शन कौन से होते हैं, बौद्ध हुआ, जैन हुआ, चार्वाक हुआ, ये भौतिकवादी दर्शन होते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितना इजी लैंग्वेज में, मतलब कठिन से कठिन टॉपिक को हमने ये कोशिश किया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा विशेषताएं, बहुत ज़्यादा पॉइंट है, तो हमने उसको बहुत सरल तरीके से फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश की है कि आप बहुत कम समय में ही उस आंसर को बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो ये भारतीय दर्शन की प्रवृत्ति, अगर आपसे केवल भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियाँ पूछा जाए तो आप इतना जो है अपना 7 मार्क्स में लिख सकते हैं, नीचे उसका निष्कर्ष डाल सकते हैं दर्शन के ऊपर डेफिनेशन दे के। तो भारतीय दार्शनिक प्रवृत्तियाँ आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो सर दर्शन कौन से हुए, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, वेदांत, सांख्य। भौतिकवादी दर्शन कौन से हो गए, बौद्ध, जैन और चार्वाक, ये भौतिकवादी दर्शन हो गए। आस्तिक दर्शन को भारत का सर दर्शन कहा जाता है, यह वेदों के ज्ञान का श्रेणीकरण है। मतलब वेद को किस प्रकार से श्रेणी, वेदों के ज्ञान को किस तरह से हम ग्रहण कर सकते हैं, ये दर्शन में बताया है। ज्ञान आधारित इस दर्शन की पृष्ठभूमि में उपनिषद था, और ब्राह्मण हिंदू धर्म का अधिकांश दार्शनिक मतवाद इसी वेदांत दर्शन से प्रेरित रहा है। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स हैं इसके शुरू के 10 लोगों को 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें टोटल 1000+ पेजेस हैं, 1000 से ज़्यादा पेजेस है, जिसमें Part 1 क्या है, बहुत ज़्यादा सिलेबस में बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो जिसके कारण इसके पेजेस पहले ही पार्ट के लगभग 500 पेजेस हो गए, क्योंकि इस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो एक ही पेज में एक ही प्रश्न लगभग आता है, और कहीं कहीं पे 2 आते हैं, तो इसलिए इस पेज जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत की दार्शनिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें, ये हम 11 नंबर में पढ़ेंगे।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो टोटल आपको ये चार बुकलेट मिलेंगी, ये इस प्रकार से ये बुकलेट है। वॉल्यूम वन में आपको उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास मिलेगा, वॉल्यूम टू में दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान लोक प्रशासन मिलेगा, 3, 7 और 11 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा वॉल्यूम तीन में आपको केस स्टडी मिलेगी और वॉल्यूम फोर में ये 2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, 2 नंबर के ये प्लस लगभग 500+ प्रश्नों का ये संग्रह है, 1000+ पेजेस हैं और नए सिलेबस के अनुसार हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, फ्लो चार्ट डायग्राम और करंट डाटा जैसे कि मनोविकार वगैरह है इनके लिए करंट डाटा का उपयोग किया गया है और ये आप परचेस कर सकते हैं। जो भी जॉब में हैं, महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो वो एक अपना रेडीमेड मटेरियल मंगा सकती हैं। इसमें आपको टोटल 4 बुकलेट मिलेगी, जैसे आप खुद नोट्स बनाते हैं ऐसे ही इनको प्रिपेयर किया हुआ है। 2 बुकलेट 7 और 11 मार्क की आएंगी, 1 केस स्टडी और 1 2 मार्कर की रहेगी। अभी केवल हार्ड कॉपी में ही उपलब्ध है नोट्स, मतलब आपके घर ही पहुंचेंगे, पेमेंट करके आपको एड्रेस भेजना होगा, 8 से 10 वर्किंग डे में आपके पास पहुंचेंगे, 2899 प्लस 70 कुरियर है। अभी शुरू के 10 लोगों को 10% का डिस्काउंट है, तो जो भी करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6260190944, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप ये हैंड रिटन नोट्स मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत की दार्शनिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दर्शन क्या होता है और इसकी किस प्रकार से अवधारणाएँ हैं, आस्तिक और नास्तिक, उन्हीं हम दार्शनिक प्रवृत्तियों को कर रहे हैं। तो भारत में पहली शताब्दी से पूर्व ही 6 आस्तिक व नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका है, पहली शताब्दी से पूर्व ही। आस्तिक मत कौन से होते हैं? ये षडांग जो दर्शन है, वेदांत, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, ये आस्तिक मत में आ जाते हैं। और नास्तिक मत में कौन से आ जाते हैं? बौद्ध, जैन और चार्वाक, इन्हें भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है सांख्य दर्शन, ये भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, प्रवर्तित इसको किया था कपिल मुनि द्वारा, इसकी रचना तत्व समास के रूप में हुई थी, शामिल है इसमें सत्कार्यवाद, विकासवाद, वैज्ञानिकता, संख्या आधारित आध्यात्मिकता। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि अगर ये सांख्य दर्शन 3 नंबर में भी आया तो मैंने इस तरह से कवर किया है कि आप इसको 3 नंबर में भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से चार्ट के रूप में कवर किया है कि आपको ये 3 नंबर में भी लिखा हो जाएगा। इसमें शामिल क्या है सांख्य दर्शन में, ये भी आपको मैंने बता दिया है, सत्कार्यवाद, विकासवाद, वैज्ञानिकता, संख्या आधारित आध्यात्मिकता। अगला है दूसरा योग दर्शन, योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि, इसकी रचना योग सूत्र ग्रंथ में हुई है, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का ये निग्रह है, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का ये निग्रह है। योग दर्शन की महत्ता के चलते 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। अगला है न्याय, न्याय के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम, ग्रंथ है इनका न्याय सूत्र, ये दार्शनिक प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ है, तर्क व प्रमाण के प्रयोग का महत्व इन्होंने इसमें दिया है। न्याय दर्शन का नया रूप गंगेश उपाध्याय ने अपने ग्रंथ तत्व चिंतामणि में दिया, न्याय दर्शन का नया रूप किसने दिया था? गंगेश उपाध्याय ने अपने ग्रंथ तत्व चिंतामणि में दिया था, ये न्याय की बात हो गई। अगला है वैशेषिक, वैशेषिक जो दर्शन है उसके प्रवर्तक महर्षि कणाद है, परमाणुवाद की इन्होंने रचना की थी, द्रव्य अथवा भौतिक तत्वों का विवेचन करते हुए इनकी रचना है कणाद सूत्र। अगला है मीमांसा, मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है, कर्मकांड यज्ञ आधारित दर्शन इसमें बताया गया है। मीमांसा में बोला है कि वेदों की जो बातें होती हैं वो हमेशा सत्य होती हैं। सिद्धांत इनके हैं पुरोहितवाद, बाहरी आडंबर को ये बढ़ावा देते हैं। इसके बाद है वेदांत, मूल ग्रंथ वादरायण का ये ब्रह्म सूत्र है, वेदांत क्या है? जो मूल ग्रंथ है वादरायण उसका ब्रह्म सूत्र है, यह उत्तर मीमांसा भी कहलाता है, वेदांत को उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। इस पर 2 प्रख्यात भाष्य शंकराचार्य 19वीं सदी में और रामानुज द्वारा 12वीं सदी में लिखे गए थे, 2 भाष्य इनके लिए इनके द्वारा ग्रंथ मतलब इनके द्वारा लिखे गए थे। लास्ट में निष्कर्ष डाल देंगे, निष्कर्ष था ज्ञान आधारित इस दर्शन की पृष्ठभूमि में उपनिषद था और ब्राह्मण हिंदू धर्म का अधिकांश दार्शनिक मतवाद इसी वेदांत दर्शन से प्रभावित रहा है। तो इस प्रकार से हमने दर्शन को पढ़ा, पहले हमने दर्शन की परिभाषा लिख ली, उसके कौन कौन से आस्तिक और दार्शनिक मत है, इसके अलावा मेन जो मत है हमारे सांख्य और जो ये षट दर्शन है उनके बारे में हमने इस प्रकार से पढ़ा कि अगर ये आपसे 3 नंबर में पूछा जाए तो आप 7 नंबर में पूछा जाए तो आप 7 नंबर में भी लिख सकते हैं, 11 नंबर में भी पूछा जाए तो 11 नंबर में भी लिख सकते हैं।
भारतीय दर्शन का जनक कौन सा है, ये दो नंबर का क्वेश्चन। दो नंबर की वैसे आपको एक अलग बुकलेट मिलेगी, इसमें लगभग 500 प्लस प्रश्न रहेंगे, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित रहेगी, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं पर मैंने डाले हैं जैसे कि भारतीय दर्शन का जनक कौन है, तो शंकराचार्य को भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है, प्रतिपादक हैं इसके अद्वैतवाद। बुक से पढ़ने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, ईजिली समझ में आ जाते हैं और याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, न्याय दर्शन की व्याख्या करना है हमको, ये दर्शन वाला पूरा टॉपिक है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। शाम को एक प्रीलिम्स के लिए भी वीडियो आएगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपने मुझे व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करके लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।